जय हिंद दोस्तों। तो आज चल पड़े हैं अपनी जन्मभूमि से अपने फिर से काम पर वापस। ये मेरे पीछे अपना जंक्शन है, मुरादाबाद जंक्शन, और जाना है NFR में। तो दिखाता है अपना सफ़र की वीडियो बनाता हूँ। वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि घर पे आया हुआ था, इसलिए दूसरी वीडियो नहीं आई थी। अभी फिर से वीडियो आने लग जाएंगी। ये इधर है अपना मुरादाबाद शहर पूरा, और ये साइड जंक्शन है मुरादाबाद जंक्शन, जो नॉर्थ रेलवे में पड़ता है, उत्तर रेलवे में। इधर टिकट वगैरह का सिस्टम है, सब कुछ काफ़ी बड़ा जंक्शन है। इधर टिकट वगैरह का सिस्टम है, जो रिजर्वेशन वगैरह होते हैं, और सीट वगैरह सब लगा हुआ है। तो आज फिर चल पड़े हैं अपने काम पर वापस। क्या कैसे निकल जाती है पता नहीं चलता, और ऐसे ही सब लोगों का प्यार बना रहता है छुट्टियों में। इधर से ये प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता है मुरादाबाद जंक्शन का, काफ़ी अच्छा जंक्शन है पूरा। तो अब तो रेलवे के स्टाफ हो चुके हैं, तो किसी बात का डर नहीं लगता है वीडियो वगैरह बनाने, सब कुछ ठीक चल रहा है। चलते हैं अपने ट्रेन में, बैठते हैं अभी। और ये फैन चल रहा है, कितना बड़ा फैन लगा हुआ है साइड में। यहाँ पर अभी ट्रेन आ जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट पर, बदरसम एक्सप्रेस, जो हम लोग उधर से NFR से भी पास करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेन चेंज नहीं करनी होगी, डायरेक्ट यहाँ से बैठ के अपना डिलीवर पहुँच जाएंगे दिन छुटिया। तो चलते हैं, अपना सफ़र करते हैं। और आप लोगों को एक मज़े की बात बता देता हूँ, मैंने जो अपना टिकट कराया था वो स्लीपर का कराया था रेलवे के पास के द्वारा। तो अभी क्या हुआ है कि रेलवे ने मेरा टिकट जो है सीट वो अपग्रेड कर दिया है। मतलब कभी कभी वेटिंग में जगह नहीं होती है, RAC मिलता है, ज़्यादातर जाता है, फिर टिकट कैंसिल हो जाता है कभी कभी जगह नहीं होने से। या स्लीपर की जगह मुझे 3rd AC मिल सकता था, लेकिन रेलवे ने पता नहीं कैसे मेरी सीट को अपग्रेड किया और डायरेक्ट 2 AC में भेजा है। तो ये भी एक नसीब की बात है। तो देखते हैं आज 2nd AC में सफ़र करते हैं, 2nd में सफ़र करेंगे अपने मुरादाबाद तक का। और अभी टाइम होने वाला है, अभी 10:35 हुआ है, 10:55 पर मेरी जो है ट्रेन आएगी। तो तब तक वेटिंग रूम में वेट करते हैं, चलते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं अपने मेरी ट्रेन का आने का। इधर है ये वेटिंग रूम, जो स्लीपर का और अपर क्लास वालों के लिए होता है। चलते हैं इसमें, इसमें सुविधा मिलती है बैठने के लिए, अच्छे से AC वगैरह सब लगा हुआ होता है। अपर क्लास वेटिंग रूम मुरादाबाद प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट, चलते हैं अंदर। ये रख दिया अपना सामान, और यहाँ पर ही सीट पर वेट करेंगे। देख सकते हैं उधर पंखा वगैरह चल रहा है सब, AC वगैरह पूरा वातानुकूलित, और सब कुछ ठीक है। ट्रेन आने वाली थोड़ी देर में, और चल पड़ेंगे अपने सफ़र पर। दोस्तों टाइम हो गया है ट्रेन के आने का, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, और अभी बैठ जाएंगे अपने सीट पर। 059 10 ट्रेन नंबर, अबदसम स्पेशल। चलते हैं अपने सीट पर जाकर बैठते हैं, ठीक है। तो ट्रेन के चलने का टाइम हो गया है, अभी अपने शहर को बाय बोलेंगे और चल पड़ेंगे। तो दोस्तों चल पड़ी है ट्रेन, करते हैं अपने सफ़र का एंजॉय। अपर सीट मिली है, बाय बाय अपनी देवभूमि जंक्शन मुरादाबाद। दोस्तों अपर सीट मिली है, और ट्रेवल का दूसरा दिन है, पहुंच चुके हैं कटिहार। ये है कटिहार जंक्शन, ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पर, बहुत टाइम रुकेगी, 1:35 तक ट्रेन रुकेगी, और कल पहुँच जाएंगे। ये है ऊपर सीट, ब्लैंकेट वगैरह, नीचे बैग रख दिया है, लॉक लगा दिया है। तो करते हैं अपना ट्रेवल पूरा। आज तक कभी झालमुड़ी नहीं खाया है, फर्स्ट टाइम झालमुड़ी देखते हैं। हाँ सर जी, झालमुड़ी देना। क्या क्या है ये इसमें? चना वगैरह, मिर्च वगैरह। अच्छा ठीक है, अच्छे से बना के देना। ये चना है, और ये क्या है, खीरा वगैरह क्या है? अच्छा तो नींबू थोड़ा ज़्यादा देना है ना, मिर्चा डाला है, मसाला डाला है। अभी इसको नींबू वगैरह डालने के बाद शायद मिक्स कर देंगे अच्छे से। कितना रुपया, कितना रुपये का ये? ये दिया है, मैं सोच रहा था 20 का मिलेगा, वो 10 रुपये का मिलेगा, ये 20 का दिया है। ऊपर के बर्थ पे ऐसा लग रहा है मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, पूरा एंजॉय।
ठीक है, अभी खाते हैं इसको। अच्छा टेस्ट। और भी सामान खरीदा है, कुरकुरा चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह खाने के लिए, वाटर बोतल। रात हो गई है, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ लिया है, खाना पीना खा के। ये हर्षु, अरे वाह देखो ये झूला झूल रही है। पूरा एंजॉय कर रहे हैं ट्रेवल का। अरे वाह, कल पहुंचेंगे अपना डिब्रूगढ़, तब तक आराम करना है और ठीक से ट्रेवल करना है। झूला झूला झूल रहे हो। तो दोस्तों आज तीसरा दिन है लगातार चलते हुए, इधर अपना सामान पैक कर लिया है, बैग वगैरह। अभी थोड़ी देर में स्टेशन आ जाएगा तो उतर जाएंगे। काफ़ी स्पीड से चल रही ट्रेन, उधर पूरी पहाड़ों की श्रृंखला देख रही है, और लास्ट में जाके ट्रेन की स्पीड तो काफ़ी अच्छी चल रही है। दोस्तों पहुंच गए अपने रूम में, जैसे रूम छोड़ के गए थे वैसे ये सब कुछ, और अभी इसको साफ़ सफाई करनी है और फिर से रहना स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी, पूरा सफ़र कैसा रहा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।